चलो स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा रही थी मैं उस दिन मैम? आरसीसी में वन सेकंड, आरसीसी में हम लोग एलएसएम चल रहे थे उसमें। अच्छा लोड कॉम्बिनेशन चल रहा था ना? यस। लोड कॉम्बिनेशन वाला जो इमेज भेजा था सबने अपनी कॉपी में बना लिया है, लिख लिया है? यस मैम। डेड लोड लाइव लोड के लिए लिमिट ऑफ स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए क्या होगा कंडीशन सब लिख लिया था ना? यस मैम, वो आपने उससे आईएस कोड से बता रही थी वो जो। तो ठीक है, मैंने एक इमेज भी भेजा था उसी को मैंने बोला था लिख लेना बना लेना क्योंकि वो ज्यादा सिंपल था। अब बताओ डेड लोड प्लस लाइव लोड अगर मैं बोलूं कि लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए लेना है तो कितनी वैल्यू लोगे? कितनी वैल्यू लोगे मैम डेड लोड और लाइव लोड के लिए? किसी ने नहीं बनाया है, हमको पता है किसी ने नहीं बनाया है। मैम वो पार्ट फर्स्ट सेकंड वाला फिगर था एक। हेलो, थ्री कॉपी में बना है अभी तक? मैम पार्ट फर्स्ट सेकंड वाला था ना एक, हमने वो बनाया था। उसके बाद हम लोग नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी पढ़ रहे थे कंक्रीट की और स्टील की पार्शियल मटेरियल की, जहाँ से हम लोगों ने FCK और FI की वैल्यू फाइंड की थी। वो सब कुछ नहीं है, मैंने लिख तुम लोग ना पढ़ते नहीं हो करते। अब मुझे इमेज नहीं मिल रहा। देखो इसे, सब देखो था, समझ में आया कौन सा टेबल की बात कर रही हूँ मैं? किसी ने अपने कॉपी में बनाया है? नहीं, किसी ने नहीं बनाया। तुम्हें को थोड़ा बहुत काम क्या दे रहे हो, कुछ नहीं करते हो। अगर मैं यहाँ पे डेड लोड प्लस लाइव लोड लोड कॉम्बिनेशन की बात करूंगी लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए, जनरली जब भी हम लोग आरसीसी की स्टडी करेंगे तो हमेशा कोलैप्स की बात करते हैं। सर्विसेबिलिटी की ज्यादातर हमारी स्टडी हमने इंक्लूड करते क्योंकि जब बीटेक के टर्म बीटेक तक ही बस हम लोग कोलैप्स पे ही स्टडी करते हैं। सर्विसेबिलिटी की स्टडी आगे अगर कोई इसमें PhD करना है चाहे MTech करना है तो करेगा उसमें, ठीक है? तो कितना लेंगे बताओ? अगर कॉम्बिनेशन ले लिया है डेड लोड और लाइव लोड का लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए तो वैल्यू कितना रखेंगे? 1.5 ऑलरेडी दे रखा, देखो उसमें टेबल में देखो सब 1.5 वैल्यू दिया है दोनों के लिए, डेड लोड और लाइव लोड के लिए। अगर लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स में जा रहे हो तो देखो, क्योंकि उसमें अर्थक्वेक और विंड लोड तो है नहीं इसलिए उस पर डैश दे रखा है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वैसे ही अगर मैं पूछूंगी कि डेड लोड प्लस विंड लोड का कितना हो जाएगा वैल्यू तो 1.5 ही होगा। हाँ, फिर नीचे थर्ड वाला कंडीशन चलेगा तो 1.2 हो जाएगा क्योंकि तीनों की वैल्यू बोल रहा है इसलिए तीनों के लिए 1.2 लेंगे। तो हम कंडीशन पढ़ रहे थे तो उसमें डेड लोड और विंड लोड के साथ था तो उसमें कंडीशन लिमिट के था लिमिट स्टेट मेथड का, तो उसमें हम 2.2 वैल्यू दी थी एक। नहीं, यही स्टैंडर्ड वैल्यू है, वो कहाँ पड़ा है हमको इमेज बता भेजना, हम बताएंगे फिर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ओके, चलो ठीक है। तो अगर मैं कंडीशन ले ली हूँ, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी ना, तो उसमें अगर मैं बोलूँ कि हम लोग डेड लोड और लाइव लोड का कॉम्बिनेशन लिया 1.5 वैल्यू लिया तो वर्किंग लोड और वर्क मोमेंट कितना हो जाएगा? वर्किंग लोड या मोमेंट कितना हो जाएगा लिखो, फैक्टर्ड मोमेंट
डिवाइडेड बाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइडेड बाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अब ध्यान से सुनना, जो मैंने बताया था 0.45 FCK और 0.87 FY स्ट्रेस निकलवाई थी ना, डिवाइड करा के पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ये वैल्यू आई थी, तो ये दोनों जो है तुम्हारी वो फैक्टर्ड लोड या मोमेंट है, फैक्टर्ड लोड या मोमेंट है, दोनों वैल्यू तुम्हारी फैक्टर्ड लोड या मोमेंट है, उसको लिख लो 0.45 FCK और 0.87 FY फैक्टर्ड लोड या मोमेंट। तो अगर हमको यहाँ से कैलकुलेट करने के लिए अगर बोला कि स्ट्रेस कैलकुलेट करिए फॉर एक्चुअल लोड और मोमेंट, तो कैसे कैलकुलेट होगा? तो अभी फॉर्मूला लिखवाया ना, वर्किंग लोड ही तुम्हारी एक्चुअल लोड होगी इज इक्वल टू क्या लिखवाया, फैक्टर मोमेंट या लोड डिवाइडेड बाई लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो वहां पर कॉन्क्रीट के केस में कितना फैक्टर्ड मोमेंट होगा, कॉन्क्रीट के केस में कितना फैक्टर्ड मोमेंट होगा, 0.45 FCK ठीक है, डिवाइडेड बाय लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी अभी कितना बताया था डेड लोड और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन के लिए 1.5, 0.45 FCK डिवाइडेड बाय 1.5 कितना आएगा, कैलकुलेटर के बताओ। वैसे स्टील के लिए कैलकुलेट कर लो 0.87 FY डिवाइडेड बाई 1.5 तो 0.58 FY कुछ आएगा, 0.58 यस। कंपैरिजन पढ़ते हैं थोड़ा सा, देखो कंपैरिजन एक साइड लिखना, एक साइड WSM लिखना, एक साइड LSM लिखना। कॉन्क्रीट के केस के लिए पढ़ो, पहला कंपैरिजन कॉन्क्रीट में, WSM में आओ, WSM में लिखना कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या क्या होता था, WSM में क्या किससे डिनोट करते थे, हमें कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या था, FCK क्या था, हाँ। क्या? याद है यार, FCK यस सर, और लोग प्लीज बोल दो, समझ में आ रहा है? भूपेंद्र, आकाश, शालीन, कोई बोल दो, समझ में आ रहा है? नहीं, ठीक है। तो WSM किस टाइम पर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK था, लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी कुछ नहीं लेते थे हम लोग उस टाइम पे, WSM के केस में कोई भी लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी नहीं लेते थे, ठीक है। तो इसका इसकी वैल्यू को क्या एज्यूम कर ले, वन एज्यूम कर ले। तो वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते थे, वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस कितना लेते थे, सिग्मा सीबीसी। हमने क्या बताया था कि जब भी हमको डिजाइन करना होगा तो सिग्मा सीबीसी के लिए डिजाइन करेंगे, क्यों? अगर मान लो M30 का ग्रेड का कॉन्क्रीट है तो 30 जो तुम्हारी है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, तो 30 N/mm² के लिए बनाओगे या 10 के लिए बनाओगे, या 10 N/mm² के लिए 10 के लिए बनाओगे, क्योंकि तुम कभी भी 30 बना लोगे तो थोड़ा भी और लोड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा, तो तुम हमेशा कम के लिए बनाना चाहोगे ना, हमेशा कम के लिए बनाना चाहोगे। तो ऑलरेडी देखो मैंने तुम लोग को लिखवा रखा था एजम्पशंस में, WSM के एजम्पशंस में जो मैंने डायग्राम बनवाया था उसमें मैंने बताया था कि हमेशा वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस के लिए हमको अप्लाई करना है, ठीक है। तो सिग्मा सीबीसी जो है तुम्हारा उसके लिए अप्लाई करो, क्योंकि सिग्मा सीबीसी क्या होता है, FCK डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, FCK डिवाइडेड बाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी अप्लाई करती है इसलिए इसकी वैल्यू कम हो जाती है, सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कम हो जाती थी तो 10 आ जाती थी, 10 आती थी ना M30 के लिए, 10 आती थी तो हम 10 के लिए अप्लाई करते थे। तो हमेशा डिजाइन किसके लिए करेंगे, सिग्मा सीबीसी के लिए करते हैं इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं M30 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट ले रही हूँ तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी,
नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना आएगा? बताओ क्या लिखवाया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला? मैम 1.8 से डिवाइड करते हैं ना, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय क्या लिखवाया था? वर्किंग डिजाइन स्ट्रेंथ लिखवाया था या नहीं? यस मैम, लिखवाया था या नहीं फॉर्मूला? तुम नोट्स बनाते हो नहीं? मैं छोड़ दूंगी पढ़ाना, बता रही हूँ। ठीक है, तो कितना हो गया फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कितना होगा बताओ? एफसीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30। एफसीके की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 30 डिवाइडेड बाई वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस। अभी मैंने क्या बताया, वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस क्या लेते हैं? सिग्मा सीबीसी लेते हैं। अभी सिग्मा सीबीसी लेते हैं तो सिग्मा सीबीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। तो 30 डिवाइडेड बाई 10 करोगे तो बेटा कितनी आएगी फैक्टर ऑफ सेफ्टी? 3। ठीक है, अब एलिसन के केस में आ जाओ, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना लेते हैं? कितना लेते हैं? अलाउबल। मैंने एजम्पशन पढ़ाते हुए ही बताया था कि इसमें हमेशा लेंगे, उसमें दे रखा है एजम्पशन में 0.67 एफसीके लेना है हमको। हमको कितना लेना है? 0.67 एफसीके हमेशा। ठीक है, तो जब हमको ये स्ट्रेंथ लेना है तो उसके लिए जब हम स्ट्रेस डिजाइन करेंगे तो किससे डिवाइड कर रहे थे? डिवाइड किससे, कितना किस करना था? पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5। पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से तुमको डिवाइड करना था, तो कर दे 0.67 एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितनी आ रही थी वैल्यू? 0.45 एफसीके, यही आ रही थी ना, 0.45 एफसीके। ठीक है, अब यहाँ पे हमको लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेना है। WSN के केस में लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग एज्यूम नहीं कर रहे थे, ठीक है, इसलिए हमने 1 लिया था। बट LSN के केस में हमें क्या करना है? लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी को भी लेना है। तो लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसे ले रहे थे? लोड कॉम्बिनेशन को, लोड कॉम्बिनेशन से ले रहे हैं। तो डेड लोड और लाइव लोड के लिए ही हम डिजाइन करेंगे, डेड लोड और लाइव लोड के कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग डिजाइन करेंगे, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1.5। टेबल से पता चल गया ना, टेबल को देखते रहना, 1.5। तो एक्चुअल स्ट्रेस कितनी हो जाएगी बेटा? अब तो मैं अभी मैंने कैलकुलेट कराया था, देखो जिसमें 0.3 एफसीके अभी आया तुम लोग का एक्चुअल लोड, थोड़ी देर पहले जब मैं करवा रही थी, एक का आया था 0.58 FY स्टील के लिए आया था ना। यस मैम। ठीक है, तो कॉन्क्रीट वाला केस का हमने ले लिया, तो कॉन्क्रीट के लिए बस कर रहे तो 0.3 एफसीके आ गया। अब एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। M30 कॉन्क्रीट ले लो, M30 कॉन्क्रीट ले लो, अब कैलकुलेट करो वैल्यू। डिजाइन स्ट्रेस बताओ 0.67 इंटू 30 करो, अलाउबल स्ट्रेस पहले करो, 0.67 इंटू 30 करो, कितना आ रहा है बताओ मुझे? मैम 20.1 आ गया। ओके, उसके बाद से हमें क्या करना है? उसके बाद से हम लोग क्या कर रहे थे? 0.67 एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5 कर रहे थे। ये जो 1.5 है ना बेटा, या 0.67 एफसीके डिवाइडेड बाय 1.5 कर रहे, ये 1.5 पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, ये 1.5 डेड लोड कॉम्बिनेशन नहीं है। यहाँ पे जो ले रहे हैं 1.5, ये पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है तुम्हारा। जो हम लोग बोल रहे थे ना कॉन्क्रीट के लिए 1.5 लेंगे और स्टील के लिए 1.15 लेंगे, ठीक है? Yes, ये वो वाली 1.5 है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तुम्हारी 20.1 आ गई ना, इसको फिर से 1.5 से डिवाइड कर दो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, देखो कितनी वैल्यू आ रही है। 13.4 आ गई। अब जो 13.4 आ रही है ना, अब इसको लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे। अब किसे डिवाइड करोगे? लोड फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करोगे। अब कौन सा कॉम्बिनेशन ले रहे हैं हम लोग? डेड लोड प्लस लाइव लोड। लाइव लोड, ठीक है। अब करो, डिवाइड करो।
कितनी आ रही है, 9 आ रही है आई थिंक, देखो तो 13.4 डिवाइडेड बाई 1.5 8.9। हाँ ठीक है, तो 9 ले लेते हैं, ठीक है 9 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर ले लेते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो करो इसके लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए फॉर्मूला क्या बताया था, एफसीके डिवाइडेड बाई वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस। ठीक है, इस तो यहाँ पे एफसीके ले लो डिवाइडेड बाई वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस। कितना लेंगे वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस, अभी 9 कैलकुलेट कर लिया था तुम लोगों ने, अभी 9 कैलकुलेट किया है और एफसीके की वैल्यू ऑलरेडी 30 दे रखी है। M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 30 होगी ना एफसीके की वैल्यू, और वर्किंग डिजाइन स्ट्रेस अभी जस्ट कैलकुलेट किया तुम लोगों ने 9, तो 30 डिवाइडेड बाई 9 करो कितना आ रहा है, 3.33। ठीक है, तो यहां से क्लियर हो गया। अब देखो 9 जो था ये अल्टीमेट जो तुम्हारा स्ट्रेस था, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले देखो 30 था स्ट्रेंथ तुम्हारा, कितना था 30 था एलएसएम के केस में, देख सुनना M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के लिए 30 तुम्हारा स्ट्रेस था, बट तुमने एक बार उसकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या किया उसकी वैल्यू को मिनिमाइज किया, ठीक है, डिजाइन को थोड़ा सेफ्टी इंक्रीज की, ठीक है, तो 9 आ गया 9। अब तुम बोलो कि 9 पे डिजाइन करेंगे, बट हम इसमें और एक बार और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड करके क्या किया हमने, 3.33 लाया। हम डिजाइन किस पे कर रहे हैं, 3.33 के लिए, ठीक है, जो हमारी फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगी 3.33 होगी। तो हम यहाँ पर डिजाइन, मेरी बात ध्यान से सुनना, 30 था तो तुमने सबसे पहले कितना लाया था, 13.4 लाया डिक्रीज करके, उसके बाद से फिर कितना पे लाया, 9 पे लाया। अब तुमने बोला कि हम 9 के लिए ही डिजाइन करेंगे, तो तुमने दो बार अपनी सेफ्टी को इंश्योर की है, और फर्स्ट वाले केस में केवल एक बार, WSM के केस में केवल एक बार सेफ्टी क्या कर रहे थे, इंश्योर कर रहे थे, सबसे ज्यादा। हाँ तो कौन सा रिलायबल केस होगा बताओ, WSM क्योंकि मैम इस बार दो बार चेक कर रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे देखना फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है ना, ये भी वैल्यू भी इंक्रीज कर रही है, 0.33 ज्यादा है एलएसएम के केस में, जो तुम्हारी नेट फैक्टर ऑफ सेफ्टी है 0.33 ज्यादा है एलएसएम WSM के केस से, WSM में 3 था और एलएसएम में 3.33 है, yes, 3.33 है, तो तुमने यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या कर ली है, इंक्रीज कर ली है एलएसएम में फिर से, ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे अब LSM यूज करते हैं। और ऑलरेडी मैंने बता रखा था कि LSM क्यों क्यों यूज किया जाता है। यस, आप तो मैम ये मतलब न्यू मतलब जनरेशन वाला है LSM, ज्यादातर यूज तो यही होता है, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा वो स्टील के लिए कर लोगे तुम लोग, स्टील के लिए कर लोगे ना? यस मैम, करते हैं, करते हैं मैम। एक ये कंडीशन था जैसे मतलब बहुत जगह पे हमने पढ़ा कि WSM का यूज अभी भी पायर्स मतलब ब्रिजेस के बनाने में यूज होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे स्ट्रक्चर्स में होते हैं। मैंने बताया तो था कि घर में इतना बड़ा बड़ा दीवार लोग नहीं बना सकते ना, बट जो पियर्स होते वो क्या होती है, मोटी मोटी चीजें होती है ना स्ट्रक्चर, हाँ, ठीक है, जिसका डायमेंशन तुम इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, घरों में इतना मोटा मोटा चीजें नहीं, बीम नहीं बनाओगे तो तुम, हम लोग क्या करना है, रेस्ट्रिक्ट करना होता है, इकोनॉमिकल नहीं होगा ना हमारे घर के लिए, और बाहर के स्ट्रक्चर पे ज्यादा लोड आएगा, तो उसके लिए हमें तो क्या करना पड़ेगा, थोड़ा हैवी स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा, इसलिए अभी भी हम लोग यहाँ वहां पे यूज करते हैं WSM। मैंने बोला कम्प्लीटली अबॉलिश नहीं हुआ है वो चीजें, अभी अभी वाटर टैंक बनाने में हो ही रहा है, चिमनी, ये सब स्ट्रक्चर्स बनाने में हो रहे हैं, जहाँ डायमेंशन को तुमको हैवी जहाँ पे लोड आएगा और उसको बचाना है तुमको स्ट्रक्चर को, वहां पे तुम WSM यूज करोगे अभी, ठीक है। चलो अब एजम्पशंस के लिए आप IS कोड खोलो, सब IS कोड खोलो, मैं पेज नंबर बता रही हूँ,
68 पे आओ या 69 पे होगा, देखो मुझे क्लियरली याद नहीं है, 68 या 69 पे ही होगा। खुल गया, 68 पे खुल गया। ठीक ठीक है, 68 पे ही है ना एजम्पशन सारे? यस मैम। देख लेना डेड। हाँ हाँ, तो मेरी बात सुनो, इसमें पहला एजम्पशन है प्लेन सेक्शन वाला कि आफ्टर बेंडिंग और बिफोर बेंडिंग क्या होता है, सेक्शन जो होता है वो प्लेन होता है। जब मैं WSM पढ़ा रही थी उसमें भी यही बताया था कि LSM के लिए भी ये केस क्या होगा, वैलिड होगा। लिखा है प्लेन फ्लेक्चर नॉर्मल टू द बीम, एक्सिस रिमेंस प्लेन आफ्टर बेंडिंग, ऐसा कुछ लिखा है अजम्पशन बेटा? इसमें देख तो मुझे यस 169 पे। ठीक है, पहला ही लिखा हुआ देखो, प्लेन सेक्शंस नॉर्मल टू द एक्सिस प्लेन, एक्सिस रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। इसमें बात ये है कि कोई बीम है तुम्हारी, ठीक है, उस बीम के ऊपर लोड आ रही है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, उस बीम के ऊपर लोड आ रही है, तो जो तुम्हारा नॉर्मल प्लेन है विदाउट लोड, पहले देखो समझने की कोशिश करना, कोई लोड नहीं आ रही है तब तुम्हारी कोई बीम है उसकी सेक्शन को कट कर दोगे तो वो सेक्शन क्या दिखेगा, प्लेन दिखेगा। वो सेक्शन क्या दिखेगा बेटा, प्लेन दिखेगा ना, बट उस पर लोड जैसे ही आएगा तो वो बीम क्या हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, वो बीम फिर से क्या होगा, बेंड होगा। बट बेंडिंग होने के बाद जब तुम उसके सेक्शन को कट करोगे तो वो सेक्शन प्लेन ही दिखेगा। बेंड होने के बाद तुम उस अगर बीम को कट कर रहे हो तो वो क्या दिखेगा, वो जो सेक्शन होगा उस बीम का वो क्या होगा, वो प्लेन दिखेगा। ये मैंने बहुत अच्छे से समझाया है WSM में, फिर मैं यहाँ पे उतना नहीं पढ़ाने वाली हूँ, देख लेने दो। दूसरा इसने बोला है कि मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट, मैक्सिमम स्ट्रेन इन कॉन्क्रीट एट द आउटर मोस्ट कॉम्प्रेशन फाइबर इज टेकन एज 0.0035 इन बेंडिंग। कितना लेना है स्ट्रेन, मैक्सिमम स्ट्रेन, ये डायग्राम देखो, फिगर, हाँ फिगर 21 देखो, फिगर 21 देखो। यस मैम। सबसे ऊपर वाला डायग्राम ऊपर आपके ठीक है, तुम्हारे एजम्पशन से नहीं बोला है कि तुम्हें कितना लेना है, 0.67 लेना, थोड़ा मुद्दा काफी ऊपर हो गया। फिर तुम्हें क्या बोला गया है, मेरे पास है एक्सेप्ट से डिवाइड करना है, तो तुम्हारी वो वैल्यू कितनी आएगी, 0.67 एफसी के डिवाइडेड बाय 1.5, तो कितनी आती है 0.45 एफसी के, तो एफसी थोड़ी और डिक्रीज कर दी। ठीक है, पर एक्सपेक्टेशन देखो मैम, आपकी वॉइस चली गई है मैम। भूपेंद्र, हाँ मैम आपकी वॉइस चली गई थी, कहाँ तक आई थी मैम? 0.45 एफसीके तक समझ में आई थी, 0.45। हाँ ठीक है, 0.45 है ना। अब देखो मैं ये बोल रही हूँ कि जहां तक तुम्हारी स्ट्रेट लाइन जा रही है उसके बाद से उसके नीचे देखो, जहाँ स्ट्रेन वैल्यू दी हुई है, जहाँ स्ट्रेन वैल्यू दी हुई है 0.00, वहां पे कितनी वैल्यू, 0.0035 एफसीके दी हुई है। मैम एक तो 0.002 दी है लास्ट में, जब मैं बोल रही हूँ एंड हो रही है स्ट्रेट लाइन, तो एक्सट्रीम में कितनी वैल्यू दे रही है, 0.0035। ठीक है, और उससे पहले जहां तक कर्व है
जहां तक कर्व है, जहां पर कर्व खत्म हो रही है वहां तक अगर लाइन नीचे खींच रही हूँ मैम आपकी वॉइस चली गई फिर से। किसकी यहाँ इतनी वॉइस आ रही है आवाज? ध्यान से मेरी बात सुनो, 0.0035 जो है वो बेंडिंग के लिए होता है, वो बेंडिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है वो? बेंडिंग किस के लिए होता है? 0.002 स्ट्रेन की वैल्यू टेंशन और कॉम्प्रेशन के लिए होती है, टेंशन और कॉम्प्रेशन के लिए होती है, बस इतना लिख लेना उसकी किस लिए होती है दोनों। एजम्पशंस में कुछ नहीं है, एजम्पशंस समझाने वाली चीजें नहीं है, बस समझ देख लो ये चीजें तुम लोग को पता होनी चाहिए क्या क्या एजम्पशंस लेना है, क्योंकि ये तुम्हारे आईएएस को तो तुमको कहीं पे भी ले जाओगे, एग्जामिनेशन हॉल में भी ले जा सकते हो। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, याद ही करना है तुमको, बस पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे किसके लिए ये वैलिड है, इतना पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड वाला पॉइंट मैंने समझा दिया है, इसको फिर से मैं नहीं समझाऊंगी। डी वाला देखो, डी वाला देखो, जब भी हम स्टडी करेंगे तो मैंने WSM के केस में क्या बताया था बेटा, WSM के केस में क्या बताया था कि हमेशा मैं स्टील को कंसीडर करूंगी टेंसाइल जोन में, और हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे कंक्रीट को, हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे कंक्रीट को, यही बताया था ना। जब टेंसाइल जोन आएगा न्यूट्रल एक्सिस से नीचे आएंगे तो वो टेंसाइल जोन होता है, तो उस टेंसाइल जोन में हमको क्या करना है, केवल जो स्टील यूज करेंगे, जो हम फाइबर एनफोर्समेंट कर रहे हैं, बस उसको एरिया को कंसीडर करेंगे, और हम कंक्रीट के एरिया को क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। इतना क्लियर है? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब देखो एक ई वाली पॉइंट, फिर से चीजें रिपीटेड है कि तुमको 1.15 स्टील के लिए डिवाइड करना है FY में, तो वो मैंने ऑलरेडी बताया था कि जब स्टील के लिए करोगे तो FY डिवाइडेड बाई पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील, स्टील की डिवाइड थी 1.15, डिवाइड करोगे तो 0.87 FY आ जाएगी, वही चीज है। उसके बाद से F देखो, F पॉइंट देखो, बोल रहा है द मैक्सिमम स्ट्रेन इन टेंशन रिइंफोर्समेंट इन द सेक्शन एट फेलियर शैल नॉट बी लेस देन FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002। तो ये जो वैल्यू है तुम्हारी मैक्सिमम स्ट्रेन है, ये जो तुम्हारी वैल्यू है वो मैक्सिमम स्ट्रेन हो गई इन केस ऑफ टेंसाइल, इन केस ऑफ टेंशन जोन। कॉम्प्रेशन जोन के लिए कितना था? 0.0035। मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी स्ट्रेन की? 0.0035। बट टेंशन जोन के लिए FY डिवाइडेड बाई 1.15 ES प्लस 0.002। तो कोई पूछेगा कि LSM के केस में आप मैक्सिमम स्ट्रेन की वैल्यू बताइए इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, तो कितना बताओगे इन केस ऑफ कॉम्प्रेशन, कितना बताओगे? जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री फाइव बेटा, थ्री फाइव। हाँ, और टेंशन के जोन में, टेंशन जोन में कितना बताओगे? अभी जो मैंने बताया 1.15। चलो अच्छी बात है, इतने समझ में आ गई। अब इसमें कुछ असर समझाने लायक ठीक है, इससे पहले जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग क्रिटिकल डेप्थ पढ़े थे ना, WSM केस में क्या पढ़े थे बेटा? क्रिटिकल डेप्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैम न्यूट्रल एक्सिस है ना? हाँ मैम, न्यूट्रल एक्सिस है क्रिटिकल डेप्थ एक्चुअल। मैम बुक में और आप में काफी वो काफी डिफरेंस है, तो मेरा पढ़ाया हुआ ज्यादा इजी होता है, लोगों को बुक से पढ़ना तो थोड़ा डिफर कर जाएगा। इसमें छुट्टी हुई थी क्या? छुट्टी हुई थी? अरे मतलब कुछ वर्ड छूटे हुए मुझे तो लगता है, मैंने ढूंढ रहे थे।
ओके नोट तो प्रोवाइड किया था ना बेटा, एक बार देख लेना और फिर से मैं प्रोवाइड कर दूंगी, उससे मिला लेना सर से अभी देखो, अभी जब मेरा ईमेल भेजा उसे देखो। अब चीजें मैं थोड़ा लिखवाऊंगी कम, तुम लोग इसी से नोट्स बनाते रहना। बीम बना है ठीक है, एक्सयू लिमिटिंग लिखा होगा, क्लियर नहीं होगा इमेज, क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? यस मैम। ठीक है तो देखो, जब हम लिखते थे एलएसएम क्या लिखते थे, एक्सयू क्रिटिकल डेप्थ लिखते थे ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया है एक्सयू लिमिटिंग, अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखा है एक्सयू लिमिटिंग, और डी माइनस एक्सयू लिमिटिंग कर दिया तो नीचे वाला डिस्टेंस आ गया है। अब देखो स्ट्रेन की वैल्यू कंप्रेशन साइड में कितना ले रखा है मैंने, इसमें दे रखा है 0.0035, और स्ट्रेन की वैल्यू टेंशन में दे रखी है, वो चीजें तो क्लियर हो गई। अब उसका स्ट्रेस डायग्राम देखो, उसका स्ट्रेस डायग्राम देखो, तो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट पे 0.45 FCK लिख लिया है, सारा डिवाइड करने के बाद जो आया था, जो हमको लेना था वर्क में कितना लेना था 0.45 FCK, इसलिए मैंने 0.45 FCK ऊपर दे रखा है। और अच्छा स्ट्रेन का डायग्राम पहले बता दूं तब ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है इसमें इतना सारा इमेज है कि मैम क्लास भी ऑफ होने वाला है, कोई बात नहीं चीजें बस क्लियर हो जाए। Thank you.